देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। आजमगढ़ के मंडलीय अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर रक्तदान माह का आयोजन किया गया। यहां पर या अन्य किसी लाइसेंस शुदा ब्लड बैंक में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक स्वैच्छिक रक्तदान किया जा सकता है। आजमगढ़ के SP सुधीर कुमार सिंह ने इस विशेष कैंप का फीता काट कर शुभारंभ किया। वहीं DM ने खुद रक्तदान कर लोगों को प्रेरित भी किया। इसके अलावा कई अन्य लोगों ने भी रक्तदान किया। 60 वर्षीय डॉक्टर अलका सिंह के साथ ही कई अन्य लोगों ने रक्तदान किया तो DM ने भी इसकी सराहना की। जिलाधिकारी ने बताया कि ये बहुत ही नेक काम है। उन्होंने कहा कि सभी ब्लड डोनेटर धन्यवाद के पात्र हैं। सभी दानों में सबसे अच्छा दान रक्तदान है, क्योंकि इससे सीधे सीधे आप किसी की जान बचाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि भ्रम को दूर करने की जरूरत है। ब्लड डोनेशन से कोई कमजोरी नहीं आती है और ब्लड देने से शरीर पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता। कुछ ही देर में शरीर उतना ही खून फिर से बना लेता है। उन्होंने आजमगढ़ के लोगों को, खासकर युवाओं को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि युवाओं के स्वैच्छिक रक्तदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने से ही आजमगढ़ लखनऊ PGI के बाद स्वैच्छिक रक्तदान में दूसरे नंबर पर रहता है। किसी भी तरह के दान से ऊपर है रक्तदान करना, क्योंकि इससे आप सीधा सीधा एक किसी भी व्यक्ति की जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो सभी लोग जिन्होंने रक्तदान किया धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारे जनपद में का हमेशा मतलब प्रथम या दूसरा स्थान रहा है। प्रथम तो आप PGI का रखने के जो लखनऊ में सबसे बड़ी संस्था है, उसके बाद हमेशा आजमगढ़ का नाम नंबर दूसरे नंबर पर है। तो ये सब आप ही की स्वैच्छिक रूप से जो आप इसमें प्रतिभाग करते हैं उसके वजह से है। तो मेरा सभी जनपद में जो भी आगे बढ़ चढ़ के युवा और बाकी सब लोग आ रहे हैं, मैं तो डॉक्टर साहब नाम भूल गया अलका, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि 60 साल की उम्र होने जा रही है फिर भी वो लोग हमेशा रक्तदान करती रही है। तो एक भ्रम जो हमारे युवाओं में है उसको भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है कि रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती। हमारी शरीर इतना सशक्त है कि जैसे ही किसी भी चीज़ की कमी होती है उसको बनाने में जुड़ जाता है और उसके विद इन नो टाइम आपको उतना ही ब्लड वापस बन जाता है। तो ये सभी लोग इसमें आगे बढ़ चढ़ के आए और एक देख काम करें। मैं अमर उजाला को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए प्रचार प्रसार भी किया और सहयोग भी किया। मैं ब्लड बैंक के सभी अधिकारी मैडम का, डॉक्टरों का, SIC साहब का, सभी का धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छा आयोजन आपने कराया है। मेरा अभी यह अनुरोध है कि आपका दिन बचा है तो सभी से जुड़ो, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये संदेश दें कि अभी भी आके अपना रक्तदान आज के दिन बढ़ चढ़ के करें, जिससे कि हमारे ब्लड बैंक की स्थिति ऐसी मजबूत बनी है। बहुत बहुत